तो भैया जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर असिस्टेंट कमांडर के फॉर्म निकल चुके हैं। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इस पर हमने पूरी वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जिसको देखने के बाद अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस वीडियो में हम इंडियन कोस्ट गार्ड के फॉर्म में फोटो और सिग्नेचर्स अपलोड करने की पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है फोटो और सिग्नेचर्स की और आप फॉर्म के अंदर इनको अपलोड करना चाहते हैं, वो भी एक मोबाइल से, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे अगर आपके पास हार्ड कॉपी है फोटो और सिग्नेचर्स की तो आप फॉर्म के अंदर कैसे उनको अपलोड कर सकते हैं सिर्फ एक मोबाइल से। तो चलते फटाफट मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि आप फोटो और सिग्नेचर्स फॉर्म के अंदर कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो भैया जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के फॉर्म पर हूँ और मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी का फॉर्म फिल कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल कर दिया है और मैं अब यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर्स अपलोड के कॉलम पर आ चुका हूँ। तो फोटो और सिग्नेचर्स अपलोड करने से पहले आप लोग ये देख सकते हैं कि फोटो का साइज इसमें 10 से 40 KB के बीच में मांगा गया है और सिग्नेचर का साइज 10 से 30 KB के बीच में मांगा गया है। तो हम जल्दी से फोटो और सिग्नेचर्स मोबाइल में लेकर आते हैं और उसके बाद फोटो और सिग्नेचर्स को अपलोड करते हैं। दोस्तों फोटो को मोबाइल में लाने के लिए हम फास्ट स्कैनर का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने फास्ट स्कैनर है, हमने इसको मोबाइल में पहले ही डाउनलोड कर रखा है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर फास्ट स्कैनर ओपन कर लिया है। अब फोटो को क्लिक करने के लिए नीचे यहाँ पर कैमरा का आइकन है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रही होगी, हमें इसकी फोटो क्लिक कर लेनी है। फोटो को क्लिक करने के बाद हमें ये जो ग्रीन डॉट्स है इसको इसके बॉर्डर के पास में सेट करना होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सभी डॉट्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब फोटो को क्रॉप करने के लिए ऊपर दिए हुए राइट के निशान पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारी फोटो क्रॉप हो चुकी है। फोटो के नीचे दिए हुए कलर्स पर क्लिक करके आप फोटो का कलर एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे ये सही लग रहा है तो मैं इसे रहने दूंगा। उसके बाद ऊपर दिए हुए राइट के निशान पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर फोटो का नाम डालना है, तो मैंने यहाँ पर सत्यम फोटो डाल दिया है। ओके करेंगे तो हमारी फोटो यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब हमें मोबाइल में सिग्नेचर्स लेकर आने हैं, तो यहाँ पर जो प्लस का आइकन दिया हुआ है हमें इस पर क्लिक करना होगा। अब ये आपके सामने सिग्नेचर्स दिखाई दे रहे होंगे, हमें इसकी फोटो ले लेनी है और उसके बाद ये ग्रीन डॉट्स को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, जिससे सिग्नेचर्स का साइज छोटा हो जाए। ये मुझे सही लग रहा है। अब हम इसे क्रॉप करने के लिए ऊपर दिए हुए राइट के निशान पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे सिग्नेचर्स क्रॉप हो चुके हैं। अब नीचे दिए हुए कलर्स पर क्लिक करके सिग्नेचर्स का कलर एडजस्ट कर सकते हैं, ये सही है। तो इसको सेव करने के लिए ऊपर दिए हुए राइट के निशान पर क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं हमारे फोटो और सिग्नेचर सेव हो चुके हैं। अब इसे मोबाइल में सेव करने के लिए हमें सबसे पहले फोटो पर क्लिक करना है, थ्री डॉट्स पर जाना है और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिग्नेचर्स पर क्लिक करना है, थ्री डॉट्स पर जाना है और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। अब हमारी फोटो और सिग्नेचर्स गैलरी में सेव हो चुके हैं। अब हम गैलरी में जाकर देखते हैं कि इनका साइज कितना है। तो ये हमारी फोटो है जिसको अभी अभी हमने फास्ट स्कैनर से स्कैन किया था। मोर पर जाकर इसकी डिटेल्स चेक करते हैं, तो इसका जो साइज है 98 KB का है और हमें फॉर्म में 10 से लेके 40 KB तक फोटो का साइज चाहिए होगा। तो हम सबसे पहले इसका साइज कम करते हैं। दोस्तों फोटो के साइज को कम करने के लिए हम फास्ट इमेज कंप्रेसर का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे मोबाइल में फास्ट इमेज कंप्रेसर पड़ा हुआ है। हम इसको ओपन करते हैं, चॉइस इमेज पर जाते हैं और अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर नीचे जो क्वालिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो डॉट है इसको हम लेफ्ट साइड में सरकाएंगे तो हमारी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, तो हम इसको अपने हिसाब से सरका देते हैं थोड़ा सा और कंप्रेस पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारी जो कंप्रेस्ड फोटो है वो गैलरी में सेव हो चुकी है, तो गैलरी में जाकर देखते हैं कि फोटो का साइज कितना हो चुका है। आप देख सकते हैं ये हमारी कंप्रेस्ड फोटो है जो अभी अभी गैलरी में सेव हुई है। मोर पर जाते हैं और डिटेल्स पर जाते हैं। इस फोटो का जो साइज है वो 32 KB हो चुका है, जो कि परफेक्ट साइज है फॉर्म में लगाने के लिए। अब हम सिग्नेचर्स का साइज चेक करते हैं। भैया ये हमारे सिग्नेचर्स हैं जो कि फास्ट स्कैनर से हमने स्कैन किए थे। मोर पर जाके इनकी डिटेल्स चेक करते हैं। इसका जो साइज है वो 84 KB का है, हमें इसका साइज कम करना होगा। हमें इसका साइज 10 से 30 KB के बीच में चाहिए। तो दोस्तों सिग्नेचर्स का साइज कम करने के लिए हम दोबारा से फास्ट इमेज कंप्रेसर पर आ चुके हैं, चॉइस इमेज पर क्लिक करते हैं और अपने सिग्नेचर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे दिए हुए क्वालिटी के ऑप्शन पर आएंगे और इसमें जो डॉट है इसको लेफ्ट साइड में सरका देंगे। अब अपने हिसाब से इसकी क्वालिटी को थोड़ा डाउन कर लीजिए और उसके बाद कंप्रेस पर क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो है कंप्रेस होकर गैलरी में सेव हो चुकी है। तो अब गैलरी में जाते हैं और देखते हैं सिग्नेचर्स का साइज कितना हो चुका है। तो ये हमारे सिग्नेचर्स हैं। डिटेल्स में जाकर देखते हैं कि इसका साइज कितना है। अब इसका साइज जो है 21 KB का हो चुका है, तो ये साइज परफेक्ट है फॉर्म में अपलोड करने के लिए। तो अब हम फॉर्म पर जाते हैं और अपने फोटो और सिग्नेचर्स को फॉर्म में अपलोड करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर फॉर्म ओपन कर लिया है अपना। अपलोड फोटो के नीचे जो ब्राउज का ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करेंगे और अभी अभी हमने जो फास्ट इमेज कंप्रेसर से अपनी फोटो कंप्रेस की है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमारी फोटो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। अब हमें सिग्नेचर्स अपलोड करने हैं, तो अपलोड सिग्नेचर्स के नीचे जो ब्राउज का ऑप्शन दिया हुआ है हमें इस पर क्लिक करना है और जो फास्ट इमेज कंप्रेसर से हमने सिग्नेचर्स को कंप्रेस किया था उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे फोटो और सिग्नेचर्स यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों फोटो और सिग्नेचर्स अपलोड होने के बाद हमने नीचे की डिटेल्स भी यहाँ पर फिल कर दी हैं।
अब हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडर के फॉर्म में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की। एक बात और, जो भी ऐप्स हमने इस वीडियो में इस्तेमाल किए हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट इन ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट सर्च करके भी इन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको प्ले स्टोर पर ये सभी ऐप्स मिल जाएंगे। तो भैया अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और ये वीडियो अगर आपके किसी भी काम आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही काम की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।